Anand Jigal, as I always say, our friend, a philosopher and guide. Anand Ji, Jawaharlal Nehru University se hain aur har kadam pe hum logo ka saath de rahe hain. Anand Ji. आज की इस असाधारण सभा में पूरे देश की तरफ से अलग अलग दलों और महिला संगठनों और जन संगठनों की तरफ से आए हुए हमारे देश की पहचान जैसी नेतागण और दिल्ली राज्य के अलग अलग इलाकों से अपने घर बार का, अपने संगठन का, अपने रोजी रोजगार का काम रोक करके हमारी लोकसभा को रास्ता दिखाने के लिए आए हुए बहनों और भाइयों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस देश की शक्ल सुधारने के लिए, इस देश की राजनीति को बेहतर बनाने के लिए और इस देश में तरक्की का सूरज चमकाने के लिए जो सबसे जरूरी काम है, यानी देश को बनाने वाली सबसे बड़ी पंचायत में, सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में औरत और आदमी का साथ साथ चलना और उसके लिए स्त्रियों के लिए 50% पंचायत में और 1/3 विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण करना, इस फैसले के पक्ष में हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आपको अपने बारे में कुछ लोग ये बताते हैं कि औरतों का राजनीति में आना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि औरतें अपने घर परिवार से लेकर के वोट व्यापार तक सब कुछ पुरुषों के इशारे पर करती हूं। ये वो लोग हैं जिनको अपने बारे में गलतफहमी है, क्योंकि उनकी अपनी सारी राजनीति कुछ छोटे छोटे दायरों में बंधी हुई है। उनको शायद अपने घर के बारे में भी मालूम नहीं है, या हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा मालूम हो, कि उनके अपने घर में तो चलती नहीं है। अब अगर महिलाओं का आरक्षण हो गया तो राजनीति में भी उनका चलना बंद हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके पुरखे आज से कुछ 100 साल पहले औरतों को पर्दे में रखते थे। ये वो लोग हैं जिनके पुरखे आज से 50 साल पहले इसी दिल्ली में बहस कर रहे थे कि आदमी को तो वोट मिलेगा स्वराज के बाद, लेकिन औरत को वोट देने की क्या जरूरत है। औरत के जिम्मे घर परिवार और हमारे जिम्मे सरकार और संसार। लेकिन इन लोगों को ये देख के बहुत ताज्जुब हुआ, अफसोस हुआ, शर्म आई कि इनके जिम्मे 90% जगह इनके पास में और देश में 90% लोग बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। गरीबी का समाधान नहीं हुआ, बेरोजगारी का समाधान नहीं हुआ, और तो और गांव शहर में आदमी औरत की इज्जत की सुरक्षा का भी समाधान नहीं हुआ। चौतरफा भ्रष्टाचार और देश की जितनी भी जरूरतें थी उनसे ध्यान हटा करके बांटो और राज करो का तरीका। मुझे बहुत खुशी है कि आज की इस सभा में दलों के दायरे से ऊपर उठ करके वो लोग यहां पर इकट्ठा हैं जिन्होंने जगह जगह गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संगठनों की अगुवाई की है, संघर्षों की अगुवाई की है। इससे वो लोग जो ये कहते हैं कि महिला आरक्षण खाली पढ़ी लिखी औरतों का तमाशा है, उनको अपनी राय बदलने की जरूरत महसूस होगी। असल में महिला आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं है, महिला आरक्षण देश के लिए है। वैसे ही जैसे दलितों का आरक्षण दलितों के लिए नहीं था, वो देश को बनाने में जिनको हमने